जी तो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आपके सामने जो बर्ड है, इसकी पहचान आप लोग मुझे कमेंट्स में करके बताइए कि ये क्या चीज़ है, और मैं इसकी बाकायदा इतनी फोकस करके क्यों वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मैं आपको खुद ही बताता चलूँ कि ये स्प्लिट निकल आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह फैलो का पीस है, और साइनमन पर्ल की एक कह सकते हैं कि कम ब्रीड्स होती हैं, बट फाइनली आई गॉट समवन। और ये बड़ा हैरत अंगेज़ एक वाकया था। तो ये 5 एग्स ले कर रहे थे स्पेयर ने, और स्पेयर के 5 के 5 एक माशाल्लाह से फर्टाइल थे, बट अनफॉर्चुनेटली डेड इन शेल और ह्यूमिडिटी फैक्टर की वजह से जो है वो बाकी के 4 पीस नहीं बच पाए, लेकिन एक पीस इसके अंदर से जो बचा, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से ये पीस सबसे अलग और सबसे यूनिक मेरे लिए हो गया। ठीक है, आप इसकी खूबसूरती, इसकी मार्किंग और इसका शेड वर्क देख सकते हैं, पूरी टेल से लेकर फेदर्स तक, साइड विंग्स तक, मेन बाजू जो होते हैं इनके, ये पूरे वाइट हैं। सही है, और इनका फेस माशाल्लाह से वाइट है। ठीक है, और क्राउन आप देख सकते हैं, जंबो साइज़ का क्राउन है इनका। ठीक है, आपको ये देखने के अंदर बर्ड कोई बड़े साइज़ का और कह सकते हैं कि यंग मेल और एडल्ट मेल लग रहा होगा, बट मैं आपको बताता चलूं कि ये देख सकते हैं आप, और ये है हमारी क्यूटी पाई। क्यूटी कुटी 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 कुटू 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 कुटू, और इनको हम यूं करके सामने भी देखते हैं, और ये हमारे साथ खेलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम इनको इस तरीके से पकड़े होते हैं, और ये अब हमारी बैठ गए हैं उंगलियों पर। सही है, और सेमी टेम्ड कह सकते हैं इनको। सही है, इतना टाइम नहीं होता तो हमने इनको जो है वो इस तरीके से टेम नहीं कर पाए, जिस तरीके से लोग और शौकीन हजरात टेम करते हैं, बट ये बाइट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और आप इनका साइज़ और सब चीज़ें देख सकते हैं, ये निकल आती हैं, खुशकिस्मती होती है, अल्लाह पाक की तरफ से बरकत होती है। तो चीज़ों के अंदर आप ये फेदर मार्किंग में आपको अगर दिखा सकूँ, अनफॉर्चुनेटली मैंने जब सोचा कि मैं वीडियो बनाऊँगा इनके ऊपर, तो लाइट ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम आपको इनकी फेदर मार्किंग दिखा रहे हैं। सही है, और ये आ गया इनका फेस, और ये आ गया इनकी आईज, ही इज़ सो क्यूट। तो सबसे गुजारिश है कि देख के इनको माशाल्लाह कीजिए, क्योंकि हम खुद जब इनको प्यार करते हैं तो हम इनको माशाल्लाह माशाल्लाह करके प्यार करते हैं। सही है, और इनके साथ बड़े अच्छे तरीके से खेलते भी हैं। ये आप जैसे कि देख सकते हैं कि हम इनके साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, और हम इनके साथ कुचुड़ पुचुड़ पुचुड़ जो भी हमें करना होता है हम इनके साथ कर लेते हैं। और आजकल क्योंकि ट्रेंड है, मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो यंग ब्रीड थी लास्ट वाले क्लच की, सही है, वो माशाल्लाह माशाल्लाह 20, 25, 15 डेज इस तरीके के चिक्स जो है वो सोल आउट हुए हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा ज़रा शौक हुआ कि भाई कुछ कुछ किया जाए इन लोगों के साथ। तो हमने इनमें से जब अपने पीस का इंतखाब किया तो हमें बहुत अच्छा लगा, और ये चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे थे। और ये बैठे हुए हैं, जिनके कोई फिदर विदर हमने नहीं काटे हुए। ठीक है, और ये फुल फ्लाइंग है, ये माशाल्लाह से पूरे रूम के अंदर भरपूर फ्लाइंग करते हैं। अभी रोशनी होती तो मैं आपको इनको फ्लाइंग करवा के भी दिखाता, आपको वैसे तो अंदाज़ा हो ही रहा होगा लोगों के। फैदर ये देखिए, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं, ये गए, ये जनाब जाके बैठे हैं ऊपर की साइड पर, और ये बहुत खुश होते हैं। इनकी बार बार जगह यही होती है, उनकी कोशिश ये होती है कि हम ऊपर जाके बैठ जाएँ। ठीक है, तो ऐसा है कि बस आपको एक चीज़ दिखानी थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ, अपने दोस्त अहबाब हज़रात के साथ जो है वो शेयर करूं, और सब मिलके माशाल्लाह बोलें। और मेरी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह हर क्लच के अंदर, दुआ तो मेरी यही है कि हर क्लच के अंदर मेरा एक
या दो या बहुत सारे बच्चे इस तरीके के निकल आए, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत 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 ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है वो ये पीस मेरे अब तक के क्लच के अंदर मुझे बहुत पसंद आया है। इसीलिए लोगों के बहुत फोर्स करने के बावजूद भी, और एक तो बंदा बहुत ज़्यादा ही पीछे लग गया था, मेरे दोस्त ही हैं मेरे वो, कि भाई ये मुझे जो है ना बस आप दे दो, बस ये आप छोड़ दो बस इसको ना, सही है। मैंने बोला नहीं यार, ये थोड़ा सा ना ये रोकूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि इनसे थोड़ी सी ज़रा वाबस्तगी इस तरीके से हो गई है कि ये हमारे छोनू मोनू ये रहे छोनू मोनू। तो ये बड़े, ये देख रहे हैं आप, ये बाइट करने वाला हिसाब किताब ही नहीं है इनका, क्योंकि मैं इनको काफ़ी टाइम से जो है वो इस तरीके से गुचुड़ गुचुड़ करता रहता हूँ, बट मेरे हाथों की ग्रिप इस तरीके से नहीं होती, बल्कि बहुत सॉफ्ट और बहुत हल्की तरीके से होती है, इसकी वजह से ये भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं हाथ में आके। तो और इनको यहाँ पे अपने इस साइड पे आके, हालांकि ये केस से मेरे हाथ के ऊपर आराम से इजीली, क्योंकि मैंने उनको उंगली के ऊपर सेट किया हुआ है, तो ये उंगली वो बैठ के निकलते हैं, लेकिन ये इस वाली जाली के ऊपर, ठीक है, ये थोड़ी सी शैतानी करते हैं। तो बाकी उम्मीद है कि वीडियो आपको इनकी बहुत पसंद आई होगी, मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रहा क्योंकि इन्हीं की वीडियो बन रही है, और इन्हीं की तारीफ़ें भी होंगी, इन्हीं के लिए दुआएं भी निकलेंगी, इन्हीं की लंबी उम्र और अच्छी सर सलामती के लिए। माशाल्लाह से आप ओवरऑल चीज़ का जायज़ा ले सकते हैं, ठीक है, ही इज़ सो ब्यूटीफुल। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। चलिए चलिए।